नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को पहुंचेंगे। बिलासपुर संभाग में 15 दिन के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 14 सितंबर को इसी संभाग के रायगढ़ में पीएम मोदी की बड़ी आम सभा आयोजित की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके दौरे का पूरे छत्तीसगढ़ में फायदा लेना चाहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 5 संभागों वाले छत्तीसगढ़ में 15 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का एक ही संभाग में 2 कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। भाजपा ने किस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा था। अगले हफ्ते भाजपा अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि इसी सूची में 69 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए गए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भाजपा का कुल 6 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 69 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा गुरुवार को रायपुर में एक बैठक में हुई है। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और बैठक में 69 सीटों पर उतारे जाने वाले उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है। तरुणीर संस्था द्वारा अंबिकापुर के सतीपारा में स्थित शिवासागर तालाब और मौलवी बांध के मामले में सिंहदेव परिवार के स्वामित्व की भूमि को लेकर के हाईकोर्ट बिलासपुर में दाखिल जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सतीपारा के शिवसागर तालाब और मालवी बांध के कुल 54.20 एकड़ भूमि में से 33 एकड़ भूमि का लैंड यूज 1996 में बदल दिया गया था। इसे लेकर के हाईकोर्ट में तरुणीर समिति ने जनहित याचिका लगाई थी। विपक्ष इस मामले में काफी समय से टीएस सिंहदेव पर घेर रहा था। वही विधानसभा चुनाव के पूर्व आए इस निर्णय से डिप्टी सीएम को बड़ी राहत मिली है। भूपेश सरकार अब महिला कोष ऋण योजना में महिलाओं को 6 लाख तक की ऋण देगी। अब बता दें कि अभी तक ये राशि 4 लाख रुपए थी। वही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। 2 मई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मितानिनों के आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री बघेल ने महिला समूहों को 6 लाख रुपए ऋण देने और महिलाओं के लिए ऋण लेने की पात्रता शर्तों को सरल करने की घोषणा की थी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।